जिस वक्त पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नजर वहां टिकी है जहां से माल कूटा जा सकता है। अब पीएम केयर्स फंड पर आंखें गड़ाए गांधी वाड्रा परिवार के इरादों को पीएम मोदी ने गहरी चोट पहुंचा दी, तो कांग्रेस की नजरें मंदिरों में रखे सोने पर जाट की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मंदिरों में रखे सोने को सरकार अधिग्रहित कर ले। कांग्रेस के ये नेता बाकायदा मंदिरों में रखे सोने की कीमत भी बताते हैं, पूरे 1 ट्रिलियन यानी 76 लाख करोड़। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस के नेता के इस सुझाव से देश का संत समाज भड़क उठा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस के इस सुझाव को हिंदू विरोधी बताया और इसकी आलोचना की। पृथ्वीराज चौहान का विरोध बढ़ा तो वे कानून की धमकी देने पर उतर आए। स्वामी परमहंस और महंत कमल नयन दास ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पहले कि धर्मार्थ न्यासों से सोना लिया जाए, ये जरूरी है कि कांग्रेस नेताओं ने जो संपत्ति गलत तरीके से जमा की है उसे जब्त किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विगत 70 वर्षों में कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता में रहते हुए गलत तरीके से धन जमा किए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। तपस्वी छावनी से जुड़े स्वामी परमहंस ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के सुझाव पर तीखी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि वो सोना लेने की बात करते हैं, जो भी सोना है ले लें, लेकिन उससे पहले 70 साल से देश को लूट कर जो कांग्रेसी बैठे हैं उनकी संपत्ति जब्त करके इस महामारी में लगा दी जाए। इसके बाद वे मंदिरों की संपत्ति लेने की बात करें तो हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मंदिरों ही नहीं, मस्जिदों, गिरिजाघरों और सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर जो भी संपत्ति हो उसे सरकारी घोषित करें और इस महामारी से जंग लड़ने में लगा दें। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कांग्रेस नेताओं को इंटरनेशनल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसा क्यों है वे केवल धन पाने के लिए मंदिरों के बारे में सोच रहे हैं, मस्जिद और चर्च क्यों नहीं? पृथ्वीराज चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि सरकार को देश में सभी धार्मिक ट्रस्ट में पड़े सोने को तुरंत अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, जिसकी कीमत विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 76 लाख करोड़ रुपए है। सरकार 1 या 2% की ब्याज दर पर बॉन्ड के माध्यम से सोना ले सकती है। आखिर यह एक आपातकालीन परिस्थिति जो है। कोरोना वायरस के चक्कर में चीन धीरे धीरे बड़ी बर्बादी की तरफ जाने लगा है। चीन को भी ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि वो अमेरिका और यूरोप के निशाने पर तो है ही, एशिया के भीतर भी उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चीन को लेकर बयान ऐसे दौर में काफी महत्वपूर्ण लगता है। नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस वुहान शहर के लैब से निकलने की बात कहकर चीन को सीधे सीधे दुनिया के उसी कटघरे में खड़ा कर दिया है जहां वो पहले से ही निशाने पर है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कई अमेरिकी नेता चीन के ऊपर संक्रमण संबंधी डेटा को छुपाने और जांच में सहयोग न करने का खुलेआम आरोप भी लगा चुके हैं। इस बीच अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनने वाले उसके झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। सेनेटर थॉम टिलिस ने चीनी प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने दुर्भावना पूर्वक कोरोना वायरस को फैलाया है जिससे लाखों अमेरिकी पीड़ित है। ये ऐसा देश है जो अपने ही देश के लोगों को डिटेंशन कैंपों में कैद कर रहा है और हमारे सहयोगी देशों के संप्रभुता के खिलाफ धमकी दे रहा है। इस योजना में चीनी सरकार से मुआवजा मांगने और वायरस के बारे में झूठ बोलने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही कहा गया है कि चीन को उसके अत्याचारी मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सांसद टिलिस की योजना में ट्रंप प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से औपचारिक तौर पर अनुरोध कर बीजिंग से 2020 शीतकालीन ओलंपिक वापस लेने की अपील भी की गई है। सेनेटर ने कहा कि अमेरिका के लिए ये जागने का समय है। मेरी ये योजना चीनी सरकार को कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोलने के लिए जवाबदेह बनाएगी। इसके जरिए अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव नाम के कार्यक्रम के शुरू करने की मांग की गई है जिसमें $20 बिलियन के सैन्य साजो सामान की फंडिंग भी अमेरिका की तरफ से की जाएगी। इस इनिशिएटिव के जरिए क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सेनेटर ने भारत
ताइवान और वियतनाम को स्टेट ऑफ द आर्ट सैन्य उपकरणों के बिक्री को मंजूरी देने की भी मांग की। उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया को सेना के पुनर्गठन और घातक साजो सामान से लैस करने की भी बात कही है। उन्होंने अपनी योजना में यह भी कहा है कि चीन में मौजूद सभी अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने देश वापस लाया जाए और चीन के ऊपर सामान के लिए निर्भरता को भी खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें चीन को अपनी तकनीकी को चोरी करने से भी रोकना होगा और अमेरिकी कंपनियों को हमारे तकनीकी लाभ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। सेनेटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने सहयोगी देशों से भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाने के लिए कहना चाहिए जिससे चीन को उसके किए की सजा मिल सके। हम मिलकर चीनी हैकर्स को भी रोकें और अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश निकालने के लिए कहा है और इसी तरह के अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है। चीन पर बौद्धिक संपदा और अनुसंधान कार्य से जुड़ी जानकारियां चोरी करने का भी आरोप लगाया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन इस खेल में फिलहाल नुकसान सिद्धू को ही उठाना पड़ रहा है। कैप्टन के साथ पैदा हुए राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सुनील जाखड़ के सिद्धू के साथ बेहतर संबंध थे, लेकिन करीब एक वर्ष से प्रदेश की राजनीति से अलग थलग पड़े सिद्धू को जिला स्तरीय कमेटी में शामिल न कर जाखड़ ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ सहयोग करने वाले विधायक और सांसद ही सरकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटियों में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल नहीं किया गया है। जाखड़ द्वारा गठित इस कमेटी में सांसद गुरजीत औजला के साथ साथ शहर के सभी अन्य तीन विधायकों डॉक्टर राजकुमार, सुनील दत्ती, इंदरबीर सिंह बुलारिया को शामिल किया गया है। कैप्टन ने इस कमेटी में नवजोत सिद्धू के राजनीतिक विरोधी रहे नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी, सिद्धू की कार्यप्रणाली के आलोचक रहे मेयर करमजीत सिंह रिंटू, शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जतिंदर सोनिया और देहात कमेटी के अध्यक्ष भगवंत सच्चर को शामिल किया गया है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर के सभी विधायकों व मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की मिली जानकारी अनदेखी कर सिद्धू इसमें शामिल नहीं हुए। सिद्धू द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब के माध्यम से जारी की गई कुछ वीडियोस में सिद्धू ने कैप्टन की कार्यप्रणाली को न केवल चुनौती दी बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में कैप्टन के साथ दो दो हाथ करने के भी संकेत दिए। सिद्धू को जिला स्तरीय कमेटी में शामिल न कर जाखड़ ने सिद्धू को प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति से अलग कर दिया है। कांग्रेस के कैप्टन गुट को लगता है कि सिद्धू जीतेगा पंजाब के नाम पर प्रदेश की राजनीति में एक अलग धड़ा स्थापित करने के जुगाड़ में हैं। सोनिया और पवार पर निर्भर उद्धव ठाकरे किसी भी मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। उन्हें हर बात के लिए सोनिया गांधी और शरद पवार से इजाजत लेनी होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे का अखबार सामना पीएम मोदी को आत्मनिर्भर का ज्ञान देने की कोशिश करने लगा। सामना में कहा गया कि 20 लाख करोड़ का प्रबंध कैसे होगा। लगे हाथ राजीव गांधी की तारीफ की गई और ये सलाह दी गई कि कुछ दिनों तक सीबीआई और ईडी को शांत कर दिया जाए। ईडी और सीबीआई को क्यों आंख बंद करने के लिए कहा जाए इस बारे में कुछ खास कहा नहीं गया है, लेकिन शिवसेना की इसके पीछे की मंशा क्या है वो साफ है। राणा कपूर और वधावन ब्रदर्स के पकड़े जाने के बाद महाराष्ट्र की सरकार में अंदर तक बेचैनी है। माना जा रहा है कि सामना का ये सुझाव उसी के मद्देनजर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिजनेस क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में कहा गया कि आत्मनिर्भरता के इस नए रास्ते पर भारत उद्योगपतियों के देश से बाहर चले जाना वह नहीं कर सकता है और इसके लिए कुछ समय तक प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राजनीतिक संस्थाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि देश को बताया जा रहा है ये पैकेज लघु, छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों, गरीब श्रमिकों, किसानों और आयकर देने वाले मध्य वर्ग को फायदा पहुंचाएगा। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले सामना में कहा गया कि केंद्र सरकार के अनुसार ये पैकेज 130 करोड़ भारतीय लोगों तक पहुंचेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसका मतलब ये है कि भारत मौजूदा समय में आत्मनिर्भर नहीं है। सामना में कहा गया कि ये अच्छा है कि भारत में पीपीई और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। सामना में कहा गया है कि कोई भी देश संकट और संघर्षों से सीखने के बाद आगे बढ़ता है। आजादी से पहले भारत में एक सुई का भी उत्पादन नहीं होता था, लेकिन 60 वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक,
कृषि, कारोबार, रक्षा उत्पादन और परमाणु विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। सामना में कहा गया कि ICMR जैसे संस्थान PPE किट्स के निर्माण में मदद कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि पहले पंडित नेहरू थे और अब मोदी हैं। अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डिजिटल इंडिया की नींव नहीं डाली होती तो कोरोना वायरस के समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तथा नौकरशाहों का वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे होता। शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी से सहमति दिखाते हुए कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक रहेगा, लेकिन जीवन को इसके आसपास ही घूमते नहीं रहना है। शिवसेना ने कहा कि हमें अपने पैरों पर फिर से खड़े होना है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार देश के सबसे बड़े कानून को बदलने की तैयारी करने जा रही है। इसका सीधा फायदा किसानों को होने वाला है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। तिलहन, दलहन, अनाज, आलू, प्याज को डीरेगुलेट यानी अनियमित किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, ताकि निर्यात करने वालों को भी दिक्कत न हो। राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालात में सरकार कोई कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों को लेकर कई फैसले किए जा चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रूपए दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार का ऐलान किया। पहले किसानों को उत्पाद सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था, लेकिन अब ये मजबूरी खत्म हो गई है। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। दलहन, अनाज, प्याज, आलू, सरसों, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा। किसानों को अपने इन उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले, इसके लिए कृषि क्षेत्र को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा जैसी सिचुएशन में सरकार कदम उठा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कार्रवाई होने पर व्यापारी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। व्यापारी की कोई भी प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाएगी। व्यापारी के मुनाफे की रकम वसूली नहीं जाएगी। सभी अपराधों के अंदर व्यापारी को बेल मिलेगी। जेल के प्रावधान को पूरी तरह से हटाने या कम करने का प्रस्ताव है। व्यापारी को अपने स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टल पर देनी होगी। सरकार किसानों को उत्पीड़न से बचाने के लिए नया कानून लाएगी। इससे किसानों का उत्पीड़न न हो और जोखिम रहित आय भी सुनिश्चित हो सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म किसानों को बेहतर दाम मिले, अंतरराज्य व्यापार में दिक्कत न हो, इस दिशा में ये कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि इन बदलावों से किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।